हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आए हैं शिवकोड़ी विद माय इन लॉज। तो ये है यहाँ का मेन गेट, यहाँ से टिकट्स लेके हम अंदर एंटर करके अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। एंड भैया और पापा गए हैं फ़िलहाल टिकट्स लेने के लिए, तो हम बस यहीं पर वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम अपनी टिकट्स लेके चलना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, टिकट्स ले लिए हमने, अब हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। ये आगे भैया और मम्मा एंड नानी जी चल रहे हैं। हम चीनू को भी साथ में लेके आए हैं, बट चीनू को इतना नहीं चला सकते, तो पापा अभी फ़िलहाल नीचे ही हैं चीनू के साथ। तो हम दर्शन करके आएंगे, फिर पापा को भेजेंगे दर्शन। तो गाइस, हमारी यात्रा हो चुकी है स्टार्ट, और मैं आपको बता दी हूँ ये रास्ता है 3.5 किलोमीटर। तो ये देखिए नानी जी भी चल रही है मेरे साथ। सोचिए ये 3.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, तो इनको देख के मेरे को तो काफ़ी मोटिवेशन मिल रही है कि अगर ये पैदल चल सकती है तो मैं भी चल सकती हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद हमें यहाँ पे दिखती है ये शॉप प्रसाद वाली, तो हम बस यहीं से प्रसाद खरीद रहे हैं और ख़रीद के फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए भैया कैसे दोनों को साथ में लेते हुए जा रहे हैं, ताकि आराम से चल पाएँ दोनों, और मैं पीछे आराम से मस्त लहराते हुए चल रही हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी फ़िलहाल तो मुझे, अभी तक तो ठीक लग रहा है, अभी मैं थकी नहीं हूँ, तो अभी मैं आराम से चल रही हूँ, अभी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आगे आगे देखते हैं। तो हम कर रहे थे यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट, और यहाँ पे आ गए मंकीज़ हमारे हाथों में सामान देख के, तो हमने वो सब छुपा लिया। तो अगर आप जब भी यहाँ पे आएँ तो मंकीज़ से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये लोग आपका प्रसाद वगैरह सब छीन के ले जाएंगे, जो भी आपने सामान हाथ में पकड़ा होगा वो भी ले जाएंगे ध्यान से। तो धूप थोड़ी तेज़ हो गई है और मेरे को गर्मी भी लग रही है, तो हवा भी चल रही है, वैसे ठीक ही लग रहा है मौसम। तो हम कुछ, अब आप देख सकते हैं नानी जी भी मेरे साथ ही चल रहे हैं। सो अभी हम पहुँचे हैं दूध गंगा, ये जो साथ में गंगा जी चल रही हैं इनको दूध गंगा बोलते हैं। तो हमने यहाँ से लिया शॉर्टकट, और अब हम यहाँ से सीढ़ियाँ चल रहे हैं, और मेरी हालत थोड़ी अभी ख़राब हो रही है क्योंकि धूप तेज़ है और गर्मी लग रही है और पसीना भी आ रहा है। बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, इतना हमने चल लिया और बस अभी 10-15 मिनट का रास्ता बचा है। सो गाइज़, हम बस पहुंच गए, 5 मिनट का रास्ता है, और आप देख सकते हैं मेरी हालत पसीने से लथपथ और मेरा फेस एकदम रेड हो गया है। तो थोड़ा कूल डाउन होने के बाद अभी अच्छा लग रहा है, एंड हर हर महादेव थोड़ी शक्ति। सो गाइज़, हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, एंड यहीं पे लॉकर रूम है जहाँ पे हमें अपना सामान वगैरह डिपॉज़िट कराना होगा। फ़ोन्स भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए फ़ोन भी यहीं पर रख के जाएंगे। सो गाइज़, ये रही वो गुफा जिसको शिवकोड़ी केव कहा जाता है, तो इसके अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, और मैं इसके अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सकती। सो ये रही शिवकोड़ी केव, तो चलते हैं हम दर्शन करके आते हैं, तो मिलते हैं आपको दर्शन करने के बाद। सो गाइज़, अब हम दर्शन करके आ गए हैं वापस, और अब हम वापस जाने की तैयारी में हैं।
सो गाइस काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हमारे बिना किसी भीड़ के। काफ़ी अच्छे से हमने आराम से दर्शन किए। अंदर पतली सी गुफा है जहाँ से मतलब आड़े टेढ़े मेढ़े होके जाना पड़ता है, तो काफ़ी मज़ा आया। और मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ, मैं पहले भी आ चुकी हूँ बट तब छोटी थी जब आई थी, तो इतना मेरे को रास्ता इतना याद भी था और नहीं भी था। कुछ कुछ रास्ते याद थे और कुछ कुछ नहीं भी थे। तो अभी धूप भी थोड़ी हो गई है तेज़ एंड दर्शन करने के बाद काफ़ी एनर्जी आ गई है मेरे में। सो हमने यहाँ से पिया नींबू पानी एंड मैंने ले लिए ये टकाटक ताकि चल रास्ते में चलते हुए खाते हुए जाऊँ। तो ये देखिए टकाटक विद मी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मेरा तो गद गद हो गया दिल। हाँ अभी फिर से आओगे? देखा मेरा भी तो शूल आई ना। हाँ मेरा घोड़ा चढ़ाएगा खाई देखा। चलो चलो कुछ नहीं होता, देख रहे हैं वो वीडियो बना लिया सारी। सो हम वापस जा रहे हैं नीचे एंड मम्मा को हमने भेज दिया है घोड़े पे ताकि वो जल्दी पहुंच जाएं और चीनू को संभालें। फिर पापा जाएंगे दर्शन करके आएंगे। फ़िलहाल भैया ऊपर ही हैं तो भैया और पापा फिर साथ में आएंगे। तो हम बस चल रहे हैं, अभी धूप भी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं और नानी हम वापस मतलब जा रहे हैं नीचे। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं, लोग यहाँ पे इनको आटा डाल रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। सो गाइस अभी हम वापस नीचे पहुंच गए हैं, तो चलते हैं। अभी मम्मा को ढूंढ रहे हैं कि मम्मा कहाँ बैठे हुए हैं, तो चलते हैं मम्मा के पास। वो रहे, ये देखिए चीनू यहाँ पे हमारा वेट करते हुए आए। चीनू चीनू तू अगर इतना में उधर थोड़े जंदे हो चीनू, यहां पे जाना क्या हो गया चीनू? चीनू थक गया ना, चलो चीनू दे कोले कोल। चीनू बकरी को क्या देख रहा है? ये देखिए चीनू और बकरी एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। अरे इस ये देखो कैसे देख रहा है इसको। अरे ये क्या, ये क्या वापस इसको बार बार देख रहा है। अरे ये फिर से आ गया इधर। सो सभी आ गए थे नीचे एंड उसके बाद हमने किया लंच और अब हम बैठ गए अपनी गाड़ी में वापस घर जाने के लिए। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी हो गई है लो, क्या पता कब डेड हो जाए। सो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस घर एंड सभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। तो आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।